बिहार में दलित लड़कियों से दुष्कर्म पर मायावती की अपील। मायावती ने की बिहार सरकार से मांग, कहा दलितों की सुरक्षा और सम्मान पर ध्यान दे सरकार। बिहार में अपराध बढ़ते ही यहां के अधिकारियों में कानून का थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला में करीब 18 साल की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके कुछ ही दिन बाद बिहार के एक और चर्चित शहर मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मधुबनी और मुजफ्फरपुर में दलित बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को उठाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के मधुबनी और मुजफ्फरपुर में दलित बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को उठाया है। इसको लेकर उन्होंने बिहार सरकार से अपील की है कि बिहार सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट से प्राप्त ये रिपोर्ट अति दुखद व चिंताजनक। बिहार की सरकार इन दोनों घटनाओं को पूरी गंभीरता से ले तथा सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हो। दलितों की सुरक्षा व सम्मान का सरकार विशेष ध्यान रखे। मधुबनी जिला में 18 साल की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म। मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। बता दें कि हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला में करीब 18 साल की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके कुछ ही दिन बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर इसकी हत्या कर दी गई। बिहार में एक के बाद एक दलित लड़कियों के साथ हुए रेप के खिलाफ मायावती ने बिहार सरकार से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने एक्स के जरिए मधुबनी और मुजफ्फरपुर की घटना को बिहार सरकार से इस घटना को गंभीरता से लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जिससे इस तरह की घटनाएं फिर से न हो सके। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दलितों की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।